नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और न्यूज ब्लास्ट खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायनाड क्षेत्र का हवाई दौरा किया। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और देखिए, वायनाड में पीएम मोदी ने एरियल सर्वे भी यहाँ पर किया। हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडस्लाइड वाली जगह को देखा। और अगर इन जगह की बात करें तो देखिए, पुंची रिमटम और इसके अलावा मुंडक्कई चूरलमाला के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं राहत शिविर और अस्पताल जाकर लैंडस्लाइड पीड़ितों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लैंडस्लाइड से हुई तबाही की प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली। वायनाड में पीड़ित परिवारों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वायनाड में लैंडस्लाइड से 400 से ज्यादा मौत हुई। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए उन तमाम पीड़ितों से मुलाकात भी की और साथ ही यहां पर हवाई सर्वेक्षण भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बातचीत भी की। वायनाड में पीएम मोदी ने एरियल सर्वे किया। हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी ने भूस्खलन वाली जगह को देखा। और अगर आपको जानकारी तो देखिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इस लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुए थे, वहां का निरीक्षण करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहत शिविर और अस्पताल जाकर भी देखी, पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और इसके अलावा जो तमाम जगह पर तबाही हुई उसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। वायनाड में पीड़ित परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वायनाड में लैंडस्लाइड से 400 से ज्यादा मौत हुई है। भारतीय सेना की जय। वायनाड में 10 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सेना को भावभीनी विदाई दी। सेना के साहस, हिम्मत और जोश को वायनाड वासियों ने सलामी दी और तालियां बजवाकर अभिनंदन कर विदाई दी गई। लोगों ने भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारे लगाए। 31 जुलाई को आई त्रासदी में 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड के बीच भारतीय सेना ने बचाव कार्य में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। और जब ये ऑपरेशन यहाँ पर पूर्ण हुआ तो यहाँ पर विदाई देने की बारी है। और देखिए, कुछ इस तरह से विदाई यहाँ पर दी गई और भारतीय सेना की जय के नारे यहाँ पर लगाए गए। आपको जानकारी दे दें कि वायनाड में 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था जो कि फिलहाल खत्म हो चुका है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सेना को भावभीनी विदाई यहाँ पर दी। सेना के साहस, हिम्मत और जोश को वायनाड वासियों ने सलामी दी और तालियां बजवाकर अभिनंदन यहाँ पर किया गया और विदाई दी गई। लोगों ने भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारे यहाँ पर लगाए। 31 जुलाई को देखिए त्रासदी आई थी, 400 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और इस बीच में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला था, बचाव कार्य में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। और जब ये ऑपरेशन पूर्ण हुआ तो उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा भावभीनी विदाई हमारी सेना को दी गई और इसके अलावा भारत माता की जयकारे भी यहाँ पर सुनाई दी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का ऐलान। केंद्र सरकार ने स्कीम को मंजूरी यहां पर दी है। सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते घर बनाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब 1 करोड़ सस्ते घर यहां पर बनाए जाएंगे। योजना पर सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। पहले चरण के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले चरण में 1.18 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी गई है इसमें। और देखिए, इनमें से अभी तक 85.5 लाख घर बन चुके हैं। EWS, LIG और MIG को इससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर इस योजना की बात करें तो देखिए, सरकार का जो एम है वो यहाँ पर नजर आता है, गरीब लोगों को उनका आवास देना। और इसी योजना के तहत अर्बन 2.0 का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने स्कीम को मंजूरी दे दी। सरकार शहरी, गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते घर बनाएगी। योजना की अगर बात करें तो देखिए, इस योजना पर 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। पहले चरण में 1.18 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी गई है और इनमें से अभी तक 85.5 लाख घर बन चुके हैं। EWS, LIG और MIG को इससे लाभ मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने 8 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 900 किलोमीटर रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी यहां पर दी गई। और देखिए, 510 गांवों की 40 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से ये बयान जारी किया गया है। परियोजनाओं को ऐसे इलाके में बनाया जाएगा जो पहले से रेल संपर्क से अछूते हैं और इनके जरिए परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और ये 8 परियोजनाएं 7 राज्य,
उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेगी। इनमें से 64 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए कितने जिलों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और अगर राज्यों की बात करें तो ये 8 परियोजनाएं 7 राज्य को कवर करेगी, 14 जिले इसके अंदर हैं। तो एक बड़ी आबादी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। नेटवर्क को और अधिक मजबूती यहाँ पर मिलेगी। मोदी कैबिनेट ने 8 रेल परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी है। 900 किलोमीटर रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी यहाँ पर मोदी कैबिनेट के द्वारा दी गई। और अगर इस मंजूरी की बात करें तो देखिए 510 गांवों की 40 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया है। परियोजनाओं को ऐसे इलाके में बनाया जाएगा जो पहले से रेल संपर्क से अछूते हैं, यानी कि जिनका रेलवे नेटवर्क नहीं है, और इनके जरिए परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा। इससे आर्थिक विकास को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन ये 8 परियोजनाएं 7 राज्य जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 ऐसे जिले हैं जिसको कवर करेगी। इनमें 64 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो एक बड़ी आबादी को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा और कहीं ना कहीं परिवहन नेटवर्क को भी इससे मजबूती मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर के दौरे पर रहे। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान बार काउंसलिंग की विधिक सेमिनार में शिरकत की। आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, हम जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कुछ सांसद पड़ोसी देश में हो रही घटनाक्रम पर विवादित बयान दे रहे हैं। पड़ोसी देश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। ऐसे बयान देश के लिए खतरा, ऐसे बयानों पर आपकी चुप्पी भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। ऐसी ताकतों को न्यूट्रलाइज करने में भूमिका निभाए भारत एकमात्र देश है जिसका संविधान देश की संसद से लेकर गांव की पंचायत तक अधिकार देता है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और क्या कुछ इसमें कहा गया वो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि जिस तरह से त्रासदी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा है, उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर भी जानकारी होने दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कुछ सांसद पड़ोसी देश में हो रहे घटनाक्रम पर विवादित बयान दे रही हैं। पड़ोसी देश में जो हो रहा है वो यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसे में इस तरह के बयान जो है वो देश के लिए खतरा है। ऐसे बयानों पर आपकी चुप्पी भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। ऐसी ताकतों को न्यूट्रलाइज करने में भूमिका निभाए भारत एकमात्र देश है जिसका संविधान देश की संसद से लेकर गांव की पंचायत तक अधिकार देता है। तो ये उनके शब्द जो उनके संबोधन में सुनाई दिए। राजस्थान हाईकोर्ट का प्लैटिनम जुबली महोत्सव। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से विधिक सेमिनार का आज आयोजन हुआ। आपको जानकारी दे दें कि मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार का आयोजन हुआ। रोल ऑफ जुडिशरी इन इमर्जिंग इंडिया विषय पर यह सेमिनार हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ईजी मसीह, जस्टिस संदीप मेहता, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण बंसाली गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। राजस्थान हाईकोर्ट सीजे जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विशेष कार्यक्रम हुआ, किस किस की मौजूदगी कार्यक्रम में रही वो हम आपको लगातार बता रही है। कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, मोटो क्या रहा वो भी जरा जान लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का ये प्लैटिनम जुबली महोत्सव रहा और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से विधिक सेमिनार का यहाँ पर आयोजन हुआ। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार का आयोजन हुआ था। रोल ऑफ जुडिशरी इन इमर्जिंग इंडिया विषय पर यह सेमिनार था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ईजी मसीह और जस्टिस संदीप मेहता, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो वहीं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वर्ल्ड लायन डे पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खबर मिल रही है। आपको जानकारी दी कि एशियाटिक श्रेणी दुर्गा ने 2 शावकों को आज सुबह जन्म दिया। एशियाटिक लायन शक्ति के साथ दुर्गा का जोड़ा बनाया था। पिछले वर्ष गुजरात की शकरबाग जू से 21 अक्टूबर को जयपुर लाया गया था और इस जोड़े को नाहरगढ़ लायन सफारी में श्री शक्ति के साथ दुर्गा और तारा को रिलीज किया गया था।
पिछले दिनों दुर्गा की शारीरिक संरचना में बदलाव दिख रहा था। आज सुबह दुर्गा ने दूशावकों को यहाँ पर जन्म दिया है। अच्छी खबर है, दूशावकों को जन्म दिया और DCF जगदीश गुप्ता ने दूशावक और शेरनी दुर्गा की मॉनिटरिंग को यहाँ पर बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही दुर्गा के द्वारा यहाँ पर दूशावकों को जन्म दिया गया है। तो कुल मिलाकर वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एशियाटिक श्रेणी दुर्गा ने दूशावकों को आज सुबह जन्म दिया। एशियाटिक लायन शक्ति के साथ दुर्गा का जोड़ा बनाया गया था। पिछले वर्ष गुजरात के शकरबाग जू से 21 अक्टूबर को जयपुर लाया गया था और इस जोड़े को नाहरगढ़ लायन सफारी में शेर शक्ति के साथ दुर्गा और तारा को रिलीज कर दिया गया था। पिछले दिनों दुर्गा की शारीरिक संरचना में बेहद बदलाव नजर आ रहा था और आज सुबह दुर्गा ने जो है दो शावकों को जन्म देकर अच्छी खबर दी है। DCF जगदीश गुप्ता ने दोनों शावक और शेरनी दुर्गा के फिलहाल मॉनिटरिंग को यहाँ पर बढ़ा दिया है। खाटू श्याम जी, आने वाली शाम प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी नजर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिंगस खाटू रेलवे लाइन कार्य को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि लोकसभा में मार्च 2024 में नई रेल लाइन के कार्य को मंजूरी यहां पर दी। रिंगस से खाटू श्याम जी तक 17.49 किलोमीटर लंबाई में रेलवे लाइन डाली जाएगी। 254.06 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन डाली जाएगी। वहीं खाटू और सालासर के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ के बीच भी डाली जाएगी रेलवे लाइन। इसके लिए प्रशासन द्वारा GPR रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर श्याम भक्तों के लिए बेहद ही अच्छी खबर यहां पर नजर आ रही है। और अगर बात करें खाटू श्याम जी आने वाली श्याम प्रेमियों की, तो देखिए उनके लिए खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिंगस खाटू रेलवे लाइन कार्य को मंजूरी यहां पर दी। लोकसभा में मार्च 2024 में नई रेल लाइन के कार्य को मंजूरी दी है। रिंगस से खाटू श्याम जी तक देखिए रेलवे लाइन डाली जाएगी और आपको जानकारी दे दें कि 254 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन डाली जाएगी। वहीं खाटू और सालासर के भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ के बीच में भी रेलवे लाइन डाली जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा DPR रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा है 312 RL मीटर। आपको बता दें कि मॉनसून से पहले बांध का जलस्तर था 309.66 RL मीटर। बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। त्रिवेणी की अगर बात करें तो देखिए त्रिवेणी 2.50 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के चलते बांध में लगातार पानी की बढ़ोतरी नजर आ रही है और अभी तक कुल भराव क्षमता का 17.660 TMC पानी एकत्र हुआ है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता है 315.50 RL मीटर। लगातार हो रही बारिश से देखिए पानी की अच्छी आवक हो रही है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बीसलपुर बांध की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो पानी है, जो जलस्तर है, वो 312 RL मीटर पहुंच गया है। मॉनसून से पहले की भी बात कर लेते हैं कि मॉनसून से पहले बांध का जलस्तर क्या था। मॉनसून से पहले 309 RL मीटर यहाँ का जलस्तर था और लगातार पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। तो वहीं त्रिवेणी की अगर बात करें तो देखिए त्रिवेणी की 2.50 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के चलते बाद में पानी की बढ़ोतरी नजर आ रही है। अभी तक कुल भराव क्षमता का 17.660 TMC पानी एकत्रित हो चुका है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता जो है वो है 315.50 RL मीटर और लगातार पानी की अच्छी आवक हो रही है और जलस्तर भी इन बांधों का लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 53.42% पानी पिछले 24 घंटे में देखिए 69.32 MQM पानी की आवक हुई और कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 74.69% पानी। इस मानसून ने अभी तक 124 बांधों पर चादर चली है। प्रदेश में अभी तक 185 बांध सूखे हैं। इस बार डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि अजमेर, अनूपगढ़, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, दूदू, जैसलमेर, केकड़ी, फलौदी और टोंक में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा रही है। कई ऐसे बांध हैं जिनकी भराव क्षमता जो है उसका 53% पानी जो है वो आ चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 79.32 MQM पानी की आवक हुई। कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 74.69% पानी। इस मानसून में अभी तक 124 बांधों पर
चादर चली है। प्रदेश में अभी तक 185 बांध सूखे। इस बार डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि अजमेर, अनूपगढ़, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, दूदू, जैसलमेर, केकड़ी, फलौती और टोंक ये वो जिले हैं जहां पर सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई। और इस अधिक बारिश ने किस तरह से टोंक की हालत को खराब किया था वो भी हमने आपको दिखाया था। तो कुल मिलाकर कई ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन कई ऐसे जिले जहां पर सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश में अलर्ट। कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश, और आपको बता दें कि आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले वो जरा जान लेते हैं। 12 बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन सभी जिलों में भारी से अति बारिश होने की संभावना है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है। तो कुल मिलाकर देखिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर जानकारी आपको दे तो देखिए 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी है। 12 बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी यहां पर किया गया है। इन सभी जिलों में भारी से अति बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। और वहीं कुछ और जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं उन पर नजर डालते हैं। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया। इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है मौसम विभाग के मुताबिक। तो 22 ऐसे जिले जहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है।